मुझे अपने घर के लिए फर्नीचर देखना है। चॉइस तुम्हारी अच्छी है, मुझे पता है माशाल्लाह। इसके अच्छा। साथ मिलेगा कि नहीं? ये खरीदना जब आप लेंगे वहां पर गिफ्ट कर। और यहाँ पे मैच लगा और मैं यहाँ पे बैठ के बस बस बस। अगर पाकिस्तान ने चेज कर लिया ना इकरार, आई स्वेयर तुम्हें गोल्ड की रिंग लेके दूंगा। मैंने मुंह पे कुछ लगाया था तुम्हारी फेकनेस। पाकिस्तान मैच हार गया, मैंने कोई शर्ट नहीं रखी थी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। Assalamualaikum everyone, welcome to Sistrology, this is me Krakawa, welcome to another vlog, welcome to another very beautiful day. आज का दिन इन शोर की आवाज़ों से हुआ क्योंकि आज मेरी मॉर्निंग हो चुकी है बहुत जल्दी, मतलब मैं उठी हूँ 10 बजे, तैयार होने में मुझे थोड़ा टाइम लगा और अब बज गए हैं पूरे 11, क्योंकि मेरी है पूरे 12 बजे तक एक मीटिंग, मुझे वहाँ पे 12 बजे पहुँचना है, यहाँ से 1 घंटे का डिस्टेंस है। और हम लोग जा कहाँ रहे हैं ये मैं आपको बताती चलूँ, मुझे अपने घर के लिए फर्नीचर देखना है तो मैंने अरीब को कॉल की है एंड अरीब इज कमिंग एज वेल, थोड़ी देर में वो भी पहुँच जाएंगे और हम लोग जाएंगे मेरे नए घर के लिए अच्छा सा फर्नीचर देखने। अगर चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया यार तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं आपको अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ जल्दी से। आज मेरी ये थी भाई, मैंने प्लाजो पहना हुआ है ठीक है, साथ में ये कुर्ता एंड वेटिंग फॉर अरीब। ओ माई गॉड, तो अरीब आ चुके हैं इतना इंतजार करवाने के बाद, अब हम निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई वाह, ट्रेडिशनल इकरा तैयार शियार, फर्नीचर की शॉपिंग, इतने तैयार होके गरीब को हार्ट अटैक देंगे, फर्नीचर लेके आएंगे, ये प्लानिंग करके आए? पहले प्यारी बन के आऊंगी, इसको इजी करूंगी, फिर वहाँ जाके उसको बिजी करूंगी। थैंक यू, कितना रेड है री, मेरी चीक्स की तरह, मेरे चीक्स की तरह पहले रेड हो गए हैं। यस ओके, मैं अपनी चॉइस बड़ी, मुझे पता है कि मैं बड़ी नाइस सी चीज, चॉइस तुम्हारी अच्छी है मुझे पता है माशाल्लाह। आपकी बड़े चलाएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे, अच्छा जो आउटलेट मुझे पसंद है मैं वहाँ पे अरीब को लेकर आ गई हूँ क्योंकि मुझे यहीं से फर्नीचर चाहिए, इनका सारा डिजाइनर होता है, जाके देखते हैं अंदर अंदर क्या कौन सा डिजाइनर वाला। सो गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे उस जगह जहां का मुझे बहुत ही ज्यादा इंतजार था, जहां से मुझे है कि मुझे फर्नीचर पसंद करना है। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मुझे किस तरह की चीजें पसंद है। चले अब अरीब को भी दिखाते हैं। अरीब 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 बात सुने। हाँ जी, मुझे ये वाला सोफा सेट बहुत पसंद आया। कैसा है? हाँ हाउ इज इट? मुझे सब कुछ ही पसंद है। अच्छा है ना, ये देखो बैठ। हाँ ये देखो, ये देखो, अगर इस तरह का सोफा सेट हो स्किन में और स्किन वेज में, सही लगेगा। हाँ अच्छा लग रहा है मुझे तो, और ये पता है ये कलर मुझे इतना पसंद है। किस तरह की चीज अच्छी लगती है? किस तरह की? और मैं यहाँ पे बैठ के बस बस बस। अरीब यहाँ पे भी मैच, अरीब का बस चले ना तो अपने घर में हर जगह सिर्फ सोफा सेटिंग लगवा लें, बेडरूम भी नहीं बनवाते, सिर्फ उस पर टीवी लगे और वहाँ पे मैच देख रहे। यार कभी कभी होना चाहिए चीज, अरीब कभी कभी एक लड़की ने नहीं रहना इस घर में, लड़के ने भी रहना है, कोई चीज होनी चाहिए। ये देखिए लाइट्स, हाई इस तरह की चीज अच्छी है, ये कितनी प्यारी लग रही है, ये चीज अच्छी, ये लगवा लें। ये पेंटिंग अगर हम ये खरीदेंगे साथ पेंटिंग भी मिलेगी? अरे ये प्रॉपर इंटीरियर डिजाइन करके देंगे। नहीं नहीं, बात ये है कि अगर हम वो खरीदेंगे तो पेंटिंग साथ मिलेगी कि नहीं? फ्री नहीं मिलेगी, खरीदनी पड़ेगी। वो भी अच्छी लगी आपको तो फिर ले लेते हैं। इट्स गुड ना, इट्स एंटीक और वो उस तरह से मजे का लग रहा है। अरे ये भी साथ मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है, इसमें बैठ के लग रहा है, बस उन्होंने दिखाने के लिए लगा, वो मिलेगा नहीं साथ, पूछते हैं अभी उनसे। अरे सबके अलग अलग पैसे है ठीक है, पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते। इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस लैम्प यू कैन। वो देखो वो पड़ा, फायदा भी रखा क्यों उसके ऊपर, ये तो गलत बात है। ये आपको फैसिनेट कर रहे हैं, फैसिनेट कर रहे हैं। आ जाओ बाकी चीजें देखें और मुझे बताओ चाहिए क्या क्या, हमें वो चीजें भी तो बताओ ना। यार अली हमें सोफा सेट चाहिए प्रॉपर ठीक है, हमें बेड सेट चाहिए प्रॉपर, हमें वार्डरोब, मेरी जो आपने जो 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 मैंने कहा है मुझे वार्डरोब बनवानी है, ह्यूज वार्डरोब वो चाहिए। शीशा कैसा अरीब, ये देखो शीशा ये कितना अच्छा है, इसमें मिरर सेल्फी लिया करो, इधर आए जरा लेके दिखाएं लोगों को। ये फोटो ले रही हूँ, रोज गाइज हमारा इसमें व्लॉग शुरू हुआ करेगा, फिर लिविंग एरिया का डिजाइन ये वाला है। हाँ ये अच्छा लग रहा, ये है, ये अच्छा नीचे हमारा भी अरीब ग्रे ही है नीचे से, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। हाँ। ये लेकिन इट्स टू मच कलरफुल ना,
हमारा तो ऑलरेडी चलो बना हुआ है, हमने नीचे क्या करना है वो ये आपके कमरे में रख दूंगी, ठीक है, ये आप यू आर बॉस बॉय तो आप इस पे बैठना, ठीक है। लैंप प्यारा है ये वाला फनोस प्रिटी, और लैंप प्यारा था मुझे लगा गाइस आप यहां से साफ लगा ले, मुझे इन चीजों का कितना पता है। अरीब को इंटीरियर में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे एक ना बात याद आ गई, हम ना ऑफिस में होते थे जब हम लोग स्टार्ट में मिले थे, तो ना अरीब मुझे कहता था तुम क्या हर टाइम फोन पे स्क्रॉल करके डेकोरेशन पीसेस देखती रहती हो। उन दिनों में अम्मी के साथ बहुत घूमती थी, अम्मा के फ्लावर्स और डेकोरेशन पीसेस, तो कहता था पता नहीं है क्या। मैं जब आप के साथ कोई आपकी लड़की आएगी ना तो फिर आपको पता चलेगा वही लड़की आ गई है, वही चीजें दिखा रही है। देखो इत्तेफाक कैसा हुआ कि लड़की भी वही आ गई है। वाह वाह वाह, अरीब किस्मत हो तो ऐसी। चलें जी, अब हमको पसंद आया है एक डाइनिंग टेबल, लेकिन ये जगह हमारी क्या बनेगी इसको रखने की है, हैं अरीब दिल में होनी चाहिए हैं। वैसे है तो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है, प्रॉपर जितना दिखने में प्यारा उतना महंगा भी है कि बस ये हो जाएगा बजट में आ जाएगा। नहीं सर, ये आपके बजट की चीज है और बहुत आउट क्लास इसकी क्वालिटी रेंज हमने रखी हुई है, और ब्रास और स्पेनिश टाइल्स को यूज किया है। ब्रास है, अच्छा ये चीज मेरे सबसे ब्रास है, स्पेनिश टाइल है, विनियर्स को ये इस्तेमाल किया गया, तो ये इसके साथ मिलेगा कि ये खरीदना जब आप लेंगे आपको गिफ्ट कर। अरीब कब से हम ये चीज सोच रहे थे कि जो चीजें साथ में है ये हमें क्या ये हमें खरीदनी पड़ेगी या क्या होगा, बट उन्होंने क्लियर कर दिया। यही बोला है जब आप ये लेंगे तब ये गिफ्ट मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो जाहिर है अरीब, ये देखें आज तो सोफे ने मेरे साथ मैचिंग की हुई है, चेक करें यहाँ मेरी फोटो बनेगी कितनी अच्छी लगूंगी, देखो प्रॉपर मैचिंग हुई है। सोफा ना ले ले, इसलिए मैचिंग हुई है, इसलिए कपड़े पहन के आई थी। हरिया की सोच के सोफा भी अभी वो कह रहे हैं ऊपर भी है, ऊपर जाके आप विजिट कर लो। हाँ चलो फिर ऊपर भी देखते हैं। इनकी कोई सर्विस है जो हमें यानी के बताएंगे भी डिजाइन के? अरीब ये लोग हमें कस्टमाइज करके देंगे, हमें जो आर्टिकल पसंद आ रहा है, अगर मैं इसका कलर ऑलिव ग्रीन से ग्रे कराना चाहती हूँ वो भी हो जाएगा, तो मैं आपको इसीलिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। अब चले हम ऊपर चलते हैं। वो देखो वो कौन है, ज्यादा याद आ गई लेकिन यार मुझे प्यारा लगा ये। अरीब ये अलमारी खोलें जरा, पता नहीं इसकी स्पेस कैसी है। रेट गिरा दिया आपने, आपने बचत करने रेट भी अच्छा है। मदर ऑफ पर्ल्स का काम होगा सारा इसमें, ये पर्ल्स की अम्मियां लगी हुई हैं सारी मदर ऑफ पर्ल्स के अंदर। यार नाइस, अच्छा इसीलिए ये थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि ये वो अच्छा इंग्रेव हुई है सारी चीजें, ये वो यूरोपियन स्टाइल जो निकलते हैं वो जो नीचे वाला था उनका मॉडर्न था, ऊपर वाला क्लासिक है, क्लासिक वाइब वाला है। हाँ ये सारा ना वो यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर है। यहाँ से देख लो जो तुम लोग पसंद आ रहा है तो बस फिर यहाँ से अब निकलते हैं। कंफर्म है तुम्हारे? यस मुझे ये भी ऑलिव ग्रीन के साथ मैच हो रहा है। पसंद क्या आ रहा है वो हिसाब से उनको बुला। अब ये बंदा आएगा क्या करेगा, हमारा घर की स्पेस देखेगा? अब होगा कुछ यूं के बंदा आएगा, अब हमारे घर की पहले स्पेस देखेगा, इनके डिजाइनर्स हमें लेआउट बना के देंगे कि आपके जो है वो फर्नीचर को हम किस तरह से वहां पे रखेंगे और वो किस तरह से अच्छा लगेगा। प्रॉपर इंटीरियर डिजाइनिंग, देन आपकी फर्नीचर की कस्टमाइजेशन, फिर साथ में कर्टन्स एंड ऑल जो भी आपको चीजें चाहिए वो सब करके हमें कलर खुद फाइनल करने आ रही। वो तो नहीं अब इन्होंने, वो तो ये हमें सिर्फ गाइड करेंगे, लेकिन जो हमें चाहिए हमें वो चाहिए। ये लोगों को दिखा देते हैं कि भाई क्लासिक कैसा है यार। सारा क्लासिक है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, वैसे लग अच्छा रहा है। इकरा कवल नहीं अंदर से क्लासी दिखी है आपको? ये मॉडर्न रखते हैं हम, आपके घर की टीम मॉडर्न रखते हैं। अरीब मॉडर्न, इकरा क्लासी। वाह 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 वाह, ये सारे डेकोर पीसेस हैं प्रॉपर।
अब मुझे लगता है कि हमें अपने डिजाइनर से बात करके अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी है, क्योंकि मेरे माइंड में आ गया स्केच और अब हम यहाँ से निकलते हैं और फिर बोलो जब साइट विजिट करेंगे फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, जो भी बनेगा आई विल शो यू गाइस। अभी होते हैं, लेट्स गो। चलें जी गाइस, हम लोग हो गए हैं यहाँ से फ्री, अब हम लोग हम सर अब इजाजत चाहते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग। अब आपकी टीम आएगी हमारे घर पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको मेरी चॉइस कैसी लगी? अच्छी लगी, वो तो पता ही है। तो बहुत अच्छी गाइज, अब हम लोगों यहाँ से जो है फर्नीचर से फ्री हो गए हैं, अब हम लोगों ने जाना है डिजाइनर के पास क्योंकि आज प्रॉपर मेजरमेंट्स होनी है, मेरी भी होनी है, अरीब की भी होनी है, तो बस हम वहाँ के लिए अब निकलने लगे हैं। लेट्स गो। डिजाइनर के पास जाने से पहले हमको बहुत भूख लगी है, हमने सोचा था हम बाहर जाके नाश्ता करेंगे प्रॉपर, मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए किसी अच्छी जगह पे, लाओ नाश्ता, मजे की चीज खिलाओ, मजे की, हेल्दी और मजे की। गाइस हम लोग आ गए थे खाना शाना खाने और अदीब साहब ने पता नहीं कौन सा शोरबा मंगवा लिया मैंने देख सोचा तो कुछ और था, कुछ और ही है। ये क्या सोचा था आपने? ये तो मुझे लग रहा है यखनी है, मेरी अम्मा बना लेंगी यखनी पुलाव। ये यखनी के साथ पिसे हुए आलू है। तुमने क्या मंगवाया? कॉस्ट देखना क्या है तुमने, ये हेल्दी कहाँ था तुमने? अरीब ये बहुत हेल्दी है, इट्स ग्रिल्ड वो ना, ये देखो बहुत हेल्दी है। हम लोगों ने खाना खाना खा लिया था, अब हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और अब हम लोगों ने यहाँ से सीधा जाना है डिज़ाइनर की तरफ, जिसको टाइम दिया था 3 बजे का, लेकिन खाते खाते हम हो गए काफ़ी लेट और अभी 3:30 हो रखे हैं, तो कोई बात नहीं, देर सवेर तो होती है, तो इकरा कवल कहीं पूरे टाइम पे पहुंच जाए ऐसा बड़ी मुश्किल से होता है। गाइस हम लोग डिजाइनर के पास जा रहे थे, मैं वहाँ कह रही थी रीफ साहब सोफे ऐसे पसंद कर रहे हैं जहाँ पे टीवी लगे हो, यार ये टीवी की जरूरत नहीं है, गाड़ी में बैठ के फोन पे, अरे बस कर दो मैं बोर हो रही हूँ यार। न्यूजीलैंड ने 400 स्कोर मारा पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ने ये चेज कर लिया ना इकरा, आई स्वेयर तो मैं गोल्ड की रिंग लेके दूंगा। इतना क्रेजी है, इस टाइम क्या फील करूंगा अगर ये पाकिस्तान मैच हार गया वर्ल्ड कप से बाहर। हाय ओ अच्छा, अगर अगर हो गया चीज मैं वादा करता हूँ तुमसे, वादा वादा अल्लाह ताला जी प्लीज पाकिस्तान जीत जाए और वो वर्ल्ड कप में रहे, ऐसे भी अपने मुल्क के लिए दुआ कर रही हूँ भाई, ये गोल्ड की रिंग की लालची नहीं हूँ मैं, मुझे लालची मत समझिएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं डिजाइनर के पास, लेट्स गो। मैंने अपने ड्रेस की फिटिंग्स वगैरह दे दी हैं और जो हमने माइयों का ड्रेस यहाँ से करवाना था वो हमारा सिलेक्ट हो गया है, मेजरमेंट्स भी हो गई हैं, कलर भी डिसाइड हो गया, मजा आने वाला है। आर यू एक्साइटेड? Yes, I am excited. मुझे लग रहा है पाकिस्तान चेज भी कर लेगा, मुझे लग रहा है कि मैंने रिंग का कह के गलत कर दिया है लेकिन अगर कर लिया मैं खुशी खुशी दूंगा। आप मुझे जिंदगी में जो भी देंगे आप खुशी खुशी देंगे और आपको देना पड़ेगा। मेरा साइज वगैरह हो तो गया, हो गया हाँ। तो बस यही करना था, बस साइज देने आना था। यस लेट्स गो होते हैं, चलें गाइस अब हम निकलते हैं। चले जी गाइस, घर जाने के बजाय हम लोग आ गए अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्योंकि मुझे करवाना था। पूरे रास्ते सो गया ही है इकरा, है ना? आपको क्या मसला है? आपको क्या मसला है? आपको क्या मसला है जी? मैं पूरे रास्ते सो गया क्योंकि मुझे नींद आ गई थी, साहब ड्राइविंग कर रहे थे, मैच देख रहे थे, बोर हो रही थी, मैं क्या करती। लेट्स गो। सो गाइस हम लोग आ चुके थे, हम लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका था, मैंने बस अपने बाजू की लेजर शेजर कराई है, अरीब का हमने प्रॉपर पोपट ट्रीटमेंट करवाया। पोपट पाकिस्तान मैच हार गया, ठीक है अरीब नहीं हारा, झूठ नहीं हारा, पाकिस्तान हार गया है, बारिश हो गई है, तो बारिश हुई है तो वो जीत जाएगा, अगर बारिश हो गई तो कैसे जीत जाएगा? अरीब इतना मैच मैं भी जानती हूँ, मेरे साथ दावे ना लगा। पाकिस्तान मैच हार गया, मैंने कोई शर्ट नहीं रखी थी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरीब का बस चले ना तो ये सिर्फ झूठे झूठे लारे लगाए, ठीक है? आपने यही झूठा लारा लगाया, मुझे चलाक ना बने आप ज्यादा। अरीब ने आप सबके सामने मुझसे वादा किया था अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो मुझे दिल से गोल्ड की रिंग, दिल से। लो अब हंस रहे हैं आप यार, बस वो बारिश से जीता ना, जीतना देखो आपने ये नहीं कहा था कि वो बारिश से ना जीते, इस तरह ठीक है, वो अब जीत गया तो गाइस आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट करना है और इतने कमेंट करने हैं कि अरीब साहब वजह मुझे रिंग दिलाएं। वजह कमेंट करना, क्यों कमेंट करना है गाइस? कोई नहीं लेके देना बनता ना, देखिए वो देखेगा पूरे 50 ओवर खेलता तो मजा आता, वो जीतने का देख के मुझे मजा आता, मैच ही खत्म हो गया बारिश की वजह से, जीत गया रकवट लूज पे। लोग बताएंगे अब आपको, ठीक है बताएं अभी। वहाँ से फ्री होके अब हम आए हैं अपना डिनर करने, क्योंकि हमने पहले किया था नाश्ता और अब डायरेक्ट डिनर, लंच हो जाता है हमारा हमेशा स्किप। चलें अरीब। तो जी गाइस मेरे लिए एक बहुत ही परहेजी खाना है, आप सोचोगे ये कैसा परहेजी खाना है भाई, ये सारे सैलेड हैं और सिर्फ आजकल मेरे अंदर अम्मी की रूह आई हुई है। हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, अब ना करो। हाँ ना खाए, आपने नहीं खाया सारा मेरा खाना खा के बीच में से चलाक और अपने में से एक बाइट नहीं दी मुझे। नहीं गाइस हम लोगों ने सही पेट भर के अच्छा सा खाना खाया, अब हम लोग चलते हैं घर पे, लेट्स गो। तो
जी गाइज, हम लोग पहुंच चुके थे घर. अरीब साहब अब जा रहे हैं वापस. ये एक नंबर के वो हैं, झूठे लारे बाज. लारे बाज अंगूठियों का दावा करते हैं और उसके बाद देते हैं कुछ भी नहीं है. ये तो आपको मेरी ऑडियंस बताएगी. मैं आपने मेरे ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट किया. ये ओके ओके कर रहे हैं. चलो अपना ख्याल रखो, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है. बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. अरीब के पता चलना ही था, मैंने बताया चले जाओ जी. हाँ, मुझे पता ही नहीं चलना था, इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं. सो गाइस, मैं आ चुकी थी घर और घर आके क्या हो रहा है अभी. घर आके ये दो हजरात इधर बैठी हुई हैं, अम्मा मेरी इधर बैठी हुई हैं. ब्यूटीफुल गर्ल्स, बताओ मैं आज कैसी लग रही थी. ये एक ब्यूटीफुल गर्ल अपना काम करी, ये ब्यूटीफुल गर्ल से बातें कर रही. मैं इतने दिनों से फातिमा से बात नहीं कर रही. हाँ, इतने दिनों से फातिमा का टाइम नहीं था. फातिमा कैसी हो, मतलब तुम्हें इसका टाइम चाहिए फातिमा? मुझे ऐसे लोगों का टाइम नहीं चाहिए जो फैमिली से ज्यादा मोबाइल में टाइम स्पेंड. हेयर कलर तो बहुत अच्छा जब काम होता था आसपास. जब मोबाइल इनका चार्ज होता तब इनको खानदान वाले याद आ जाते, घर वाले, इनके बहने भी हैं. जब फोन चार्ज हो रहा था तब तो अंदर घुसी रहती. मेरा फोन अभी खाली पड़ा हुआ, ना यूज हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा. शादी के लिए हेयर कलर करवाना तो ठीक है, बहन ने कोई कलर नहीं कराना. बड़ी गोरी चिट्टी लगी, मैंने मुंह पे कुछ लगाया था तुम्हारी फेकनेस. यार हम तो अपना एंजॉय करके आए. अभी मैं अंदर से निकली हूँ, मेरे अम्मा और मेरे अब्बा दोनों बाहर प्रो प्लेयर्स की तरह खेल रहे हैं और रोज शाम में वो इस तरह खेलते हैं टू मेक देम हेल्दी, फिट एंड हैप्पी. तो जाके हम देखते हैं, छापा मारते हैं, चुप करके जाते हैं, देखते हैं गेम खेल कौन रहा है, जीत कौन रहा है. लेट्स गो. चलो इनके काम चेक करो इधर. किसका पहले गिरता है? चलो लगाओ गेम. कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? मम्मा हार गई. मम्मा आपका ड्रॉप, पापा जीत गए. मम्मा की रेसें लग रही हैं. मम्मा स्मार्ट, ज्यादा जल्दी हो जाएंगी. हेलो 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 ते एविलो जी. पापा हार गए. ये दोनों की गेम चलती रहनी है. मैं थकी हुई हूँ, सुबह से घर से निकली हुई, तो मैं जाके थोड़ी सी करूंगी रेस्ट. और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.